त्यौहार का मौसम आने वाला है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए TVS ने लॉन्च कर दिया है अपना TVS जुपिटर 110cc का नया वेरिएंट। इस डिज़ाइन का ये टॉप वेरिएंट है, तो चलिए देखते हैं इस टॉप वेरिएंट में क्या क्या फीचर्स इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं। पहले के मुकाबले जो भी आपने प्रीवियस मॉडल देखा होगा उसमें भी आपको TVS इंटेलिगो असिस्टेंट देखने को मिल जाता है और स्मार्ट कनेक्टिविटी भी देखने को पहले वाले मॉडल में मिल जाती थी। इसमें खास आपको DRL देखने को मिलने वाले हैं जो इन्फिनिटी DRL है, जिसमें कि आपको इंटीग्रेटेड इंडिकेटर भी देखने को मिल जाएंगे। इसका जो LED डिज़ाइन है ये आपको TVS ने फोर व्हीलर से इंस्पायर्ड होकर ये डिज़ाइन अपने इस जुपिटर में दे दिया है। फिर आपको इन्फिनिटी LED बैकलाइट देखने को मिल जाती है। फंक्शन सेगमेंट जैसे खास फीचर्स भी आपको इसमें देखने को मिलने वाले हैं। फॉलो मी हेडलैम्प, जब आप अपनी गाड़ी पार्क करके लॉक कर देंगे इसकी हेडलैम्प रास्ता दिखाएगी जब तक कि आप अपने पाथ तक ना पहुंच जाए। और दूसरा फर्स्ट इन सेगमेंट खास फीचर्स आपको देखने को मिलने वाला है इमरजेंसी ब्रेक वार्निंग, जिसमें कि आपको इंडिकेटर्स ऑन हो जाएंगे जब आप इमरजेंसी ब्रेक लेंगे इस तरीके से। और तीसरा खास फीचर आपको फर्स्ट इन सेगमेंट टर्न सिग्नल लैंप रीसेट आपको ऑप्शन देखने को मिलने वाला है। जैसे कि आप बहुत से लोग होते हैं इंडिकेटर ऑन करके भूल जाते हैं, उन्हें इंडिकेटर ऑफ भी करना है, तो उनके लिए ये खास फीचर आ गया है। ऑटोमेटिकली अब आपका जो टर्न सिग्नल लैंप है रीसेट हो जाएगा, जैसे ही आप ऑन करेंगे कुछ सेकंड बाद ऑटोमेटिकली रीसेट हो जाएगा। अब आपको इंडिकेटर्स बंद करने की टेंशन लेने की जरूरत नहीं। फर्स्ट इन सेगमेंट इसमें आपको हैजार्ड इंडिकेटर भी देखने को मिल जाएंगे। इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम के साथ पेट्रोल डिस्क डिजाइन में एलो व्हील देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि पहले वाले मॉडल में आपको ब्लैक एंड व्हाइट इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता था, जबकि इसमें आपको फुल कलरफुल डिजिटल TFT मीटर कंसोल देखने को मिल जाएगा सारी इंफॉर्मेशन के साथ में, जिसमें कि आपको SMS नोटिफिकेशन, GPS नेविगेशन फीचर सब कुछ देखने को मिल जाएगा। अब पीछे की तरफ आपको इसमें फ्यूल कैप नहीं देखने को मिलेगा, डैशबोर्ड में आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी खास बात हो गई है, जो कि पहले आपको जुपिटर 125cc सेगमेंट वाली स्कूटर में आपको देखने को मिलता था, अब आपको जुपिटर की 110cc में भी आपको देखने को मिल जाएगा। और बात करें इसकी सीट की, तो सीट भी आपको काफ़ी बड़ी देखने को मिलने वाली है, जैसे कि आपको 125cc सेगमेंट वाली जुपिटर में देखने को मिलती थी, सेम इसमें भी आपको उतना ही स्पेस देखने को मिलने वाला है। इसमें आप आसानी से दो हेलमेट रख सकते हैं, जैसे कि आप 125cc जुपिटर में रख पाते थे। तो बात करें इसके अंडर सीट लाइट की, तो आपको इसमें कनेक्टिंग पॉइंट देखने को मिल जाएगा, लेकिन आपको इसमें इनबिल्ट लाइट देखने को नहीं मिलने वाली, तो आपको इसे अलग से ही लगाना होगा। बात करें ड्यूरेबिलिटी की, तो सामने की तरफ जो मडगार्ड है मेटल का दिया गया है, नोज आपको फाइबर का मिल जाता है और साइड पैनल आपको फुल मेटल के देखने को मिल जाएंगे। क्या ख्याल है आपका जुपिटर की इस नई फ्रेश डिजाइन वाली जुपिटर 110cc के बारे में? आपको अगर ये अच्छी लगी और आपकी क्या राय है स्कूटर के बारे में, और आपकी फेवरेट स्कूटर कौन सी है और कौन सी टू व्हीलर आप इस फेस्टिवल में लेना चाहते हैं, कमेंट में जरूर बताइए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी, यूजफुल लगी, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।